पहले होता था कि भाई हमें बस भेजना है, हम सारे पैसे बाद में देंगे, जी जी तो जी आप सारे पैसे बाद में इतना पैसा दे क्यों रहे हो? अगर आप पहले से उसकी तैयारी करके रखोगे, पहले से अपना अपना जो पैसा इकट्ठा करके रखोगे और उसका सोर्स दिखाओगे कहाँ से पैसा आया है, ITR बनवाओगे, तो इतना कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी और दूसरी बात यह है कि हमारा रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट हाँ हमारा सबसे बड़ी एक बात बच्चा जाता है तो वो चार को और भेजता है, चार को भेजता है। और कोई यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको डे वन से बताया जाएगा इतना आपका फीस इतनी कटेगी, इतना ये होगा सब। बहुत अच्छी सर ये। हाँ सर, हमारा जो जो कंट्रीज हम करते हैं वो USA है, कनाडा है, UK है, यूरोप के अंदर जर्मनी है, आयरलैंड है, फ्रांस है, इटली है, एंड फिर ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड अभी तो पेरेंट्स को यहाँ आके पता लगता है कि हाँ हमारे हर बच्चे के साथ पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है, वो भीड़ में कहीं गुम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हाँ हर पेरेंट्स सर रिजल्ट है तभी तो हम हैं, है ना? तो रिजल्ट्स बच्चे खुद ही लेके आते हैं। हम आपसे हाँ जी USA का आपके दर्शकों के माध्यम से हुआ एक क्रेज जिसे कहते हैं बहुत बड़ा हुआ है जी। लेकिन एक ये बात भी है कि बच्चा पता नहीं क्यों एक दो मिनट के इंटरव्यू से। नमस्कार भाइयों, आज हम पहुंचे हैं करनाल के सेक्टर 14 में, और सेक्टर 14 में श्री कृष्ण मंदिर जी के बिल्कुल सामने एशियाई ग्लोबल इंस्टीट्यूट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भाइयों आज आपको बताना चाहेंगे, आजकल के युवाओं में एक सपना है कि वो विदेश जाएं और अपने सपनों को नई उड़ान दे, लेकिन एशियाई इंस्टीट्यूट बच्चों के सपनों को कैसे साकार करता है इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। और विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं एशियाई इंस्टीट्यूट के अंदर हैं ऑफिस में, और ऑफिस में हमारे सामने बैठे हैं अर्जुन सर। तो अर्जुन सर से हम जो कि यहाँ के वीजा एक्सपर्ट हैं करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर बाहर जाने का आजकल का युवाओं का एक सपना है, और काफ़ी युवा आजकल जो है बाहर जा रहे हैं, तो उसमें एशियाई ग्लोबल इंस्टीट्यूट का भी काफ़ी योगदान सुनने में आ रहा है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर, जो बच्चे बाहर जाते हैं उसमें बच्चों को तो खुद का एफर्ट करना होता है, खुद की तैयारी एक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी पड़ती है? सबसे पहले सर नमस्कार, एग्री वंडी के सारे व्यूज़ को मेरा नमस्कार और धन्यवाद आप यहाँ पे आए हैं एशियाई ग्लोबल पे। और सर ने सही क्वेश्चन पूछा है कि पेरेंट्स की कैसी तैयारी होती है। सो सर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर अपने बच्चे को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए या काम करने के लिए वर्क वीज़ा पे, तो उसके लिए पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को पहले से काफ़ी टाइम पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, एकदम से रातों रात तैयारी नहीं होती है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो आजकल जो आप इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं और एजेंट्स मतलब आ गए हैं, काफ़ी आ गए हैं, तो वो एक चीज़ सुनने में आती है कि सारे वैसे वीज़ा के बाद वीज़ा के बाद। जी सर, एक काफ़ी मतलब ये चल चुका है कि बाहर जाने का तो एक प्रचलन हो गया है कि हर गांव में हर दिन बम पटाखे फूटते हुए नजर आते हैं। तो सर मैं इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे अपनी, जी जी जी, शुरू से ही, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, जी सर, तो पेरेंट्स को पहले होता था कि भाई हमें बस भेजना है, हम सारे पैसे बाद में देंगे, जी जी, तो आप सारे पैसे बाद में इतना पैसा दे क्यों रहे हो? अगर आप पहले से उसकी तैयारी करके रखोगे, पहले से अपना अपना जो पैसा इकट्ठा करके रखोगे और उसका सोर्स दिखाओगे कहाँ से पैसा आया है, ITR बनवाओगे, तो इतना कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है बाद में, और आपका वीजा आराम से लगेगा और नॉर्मल प्रोसेस से लगेगा। तो हम तो यही सबको बताना चाहेंगे कि आप नॉर्मल प्रोसेस से स्टडी वीजा लगवाइए, स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से, पहले फीस पे करिए, उसके बाद वीजा अप्लाई होएगा, ठीक है, जो हर कंट्री का अलग एक स्टेप होता है। तो हम ACIE पे सबको पहले पेरेंट्स की जो होती है पहले काउंसलिंग करते हैं, उनको बिठा के सारा समझाते हैं भी ये आपका बच्चे का अगर फ्यूचर आपको इस कंट्री में अगर जाना है बच्चे को, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब जो है तैयारी करनी पड़ेगी, और उसमें हम आपकी हेल्प भी करते हैं पेरेंट्स की, और कौन सा कोर्स लेना चाहिए ताकि उसको वहाँ पे नौकरी आसानी से मिल जाए। जी, क्योंकि जी, सब बच्चे वहाँ पढ़ने के साथ साथ नौकरी भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सब हम पेरेंट्स को पूरा समझाते हैं पहले, ताकि उनको भी पता होना चाहिए उनका बच्चा कहाँ जा रहा है और कितने पैसे कमाएगा और आगे क्या उसका स्टेटस रहेगा और आपका कितना खर्चा लगेगा, ताकि आप पहले से उसका अरेंजमेंट करके रखो। जी सर, मतलब उनको पता रहे कि हमारे बच्चे का भविष्य आने वाले में कैसा रहेगा। हाँ जी हाँ जी। तो सर जैसे जो बच्चे आते हैं बाहर से आते हैं, अभी फॉर एग्जांपल अगर बाहर से अभी कोई वीडियो देखकर कोई बच्चा आपके पास आए, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है?
सर देखो, हमारा इंस्टीट्यूट 4 साल पुराना है जी। सबसे पहली बात है कि हम एक ही जगह पे टिके हुए हैं, अपने शहर में ही हैं जी सर। हम यहीं के लोकल रहने वाले हैं जी जी। और दूसरी बात यह है कि हमारा रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट बोलता है। हमारा सबसे बड़ी एक बच्चा जाता है तो वो 4 को और भेजता है। और कोई यहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको डे वन से बताया जाएगा इतना आपका फीस इतनी कटेगी, इतना ये होगा सब। बहुत अच्छी सर ये आपने बताया, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही है कि जो जैसा कि आपने दिक्कतें जो बताई है वही दिक्कतें ज़्यादा सुनने में आ रही है। डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं, बाद में पैसा दो और डिमांड और बढ़ जाती है। यस, तो आपका जो काम का तरीका है वो बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद करते हैं सर आपका, आपने इतनी बेहतर जानकारी जो है वो साझा की है। एक छोटी सी जानकारी सर और चाहेंगे आपसे कि आप जो एशियाई ग्लोबल्स है कौन कौन से देशों के लिए वीजा लगवाता है? हाँ सर, हमारा जो जो कंट्रीज हम करते हैं वो यूएसए है, कनाडा है, कनाडा यूके है, यूके यूरोप के अंदर जर्मनी है, आयरलैंड है, फ्रांस है, इटली है, एंड फिर ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड अभी थोड़ा मुश्किल हो रखा है, बंद, मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज बंद है। ऑस्ट्रेलिया अभी ओपन हुआ है, तो जैसे जैसे बच्चे का ये प्रोफाइल चेक होता है उसके हिसाब से हम उसका फाइल को फिर आगे प्रोसेस करते हैं। आगे प्रोसेस में कनाडा के रूल्स काफ़ी चेंज होते रहते हैं, हम टाइम से वो सारा का सारा पेरेंट्स को बताते रहते हैं, जो भी हमसे गाइडेंस लेने आता है उनको सारा बताया जाता है। रही बात यूएसए की, यूएसए के अंदर इंटरव्यू की तैयारी हम पूरी अच्छे तरीके से करवाते हैं, यहाँ पे यहीं पे हमारा अलग थोड़ा स्ट्रक्चर है। यूएसए के इंटरव्यू हमारे सारे ज़्यादा क्लियर होते हैं जी, तो उसकी हम पूरी तैयारी करवाते हैं। बाकी यूके वगैरह तो सब होता ही हमारा। और वर्क के अंदर वर्क वीजा हमारे पास यूरोप के हैं कुछ कंट्रीज के और यूके के हैं। भाइयों आप चलते हैं वैभव सर के पास, जो कि बच्चों की जो शिक्षा रहती है मुख्य उस पर काम करते हैं। अब वैभव सर से मिलते हैं। हम देख रहे हैं आपके पास काफी बच्चे आए हुए हैं, इतने बच्चे क्यों आते हैं? सर सबसे पहली बात होती है रेफरेंस की, एक विश्वास की। क्या होता है कि सर इन्हीं बच्चों के पहले भाई बंधु वगैरह हमसे पढ़ के अर्जुन से वीजा लगा के बाहर सेट होते हैं, तो पेरेंट्स का, उनके गार्जियंस का, सबका, बच्चों का विश्वास रहता है कि हम यहाँ पे आके सफल नहीं होंगे जी। सर दूसरी बात है कि जब पेरेंट्स को यहाँ आके पता लगता है कि हाँ हमारे हर बच्चे के साथ पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है, वो भीड़ में कहीं गुम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि हाँ हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे की तैयारी जल्द से जल्द हो, हमारा पैसा व्यर्थ ना हो, तो एक एक दिन पूरी तरह से हम तैयारी करवाते हैं पूरी मेहनत से। ये नहीं है कि किसी के भरोसे बैठे हैं, मैं खुद सारी की सारी, मैं और मेरी टीम तैयारी कराती है। ये सबसे बड़ी बात है सर, परमानेंट चीज की, पक्की चीज की। हम 5 साल से जो इसी फील्ड में हम तैयारी करा रहे हैं। वैसे तो मुझे टीचिंग का टोटल 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है जी जी। हाँ, और हमने ACI इंसेप्ट करके और बना के उसको हमने 5 साल होने वाले हैं। 5 साल होने वाले हैं सर आपके इस टीचिंग जो ACI इंस्टीट्यूट है इसको वर्क में चलते हुए। सर दूसरा एक ये रहता है कि जो इतने साल से आप बच्चों के साथ एफर्ट करते हैं, उनको इतने मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं, रिजल्ट कैसा रहता है? रिजल्ट के बारे में जानना चाहेंगे। सर रिजल्ट है तभी तो हम हैं, ठीक है ना? तो रिजल्ट्स बच्चे खुद ही लेके आते हैं, हम नहीं कहते हैं। जब बच्चा देखिए 12वीं के बाद या कॉलेज के बाद एक आशा लेके आता है, उम्मीद लेके आता है, वो भी अपना बेस्ट डालता है, बस उसको गाइडेंस चाहिए, उसे हमें दिशा दिखानी होती है। तो अगर मैं कहूँगा हमारा नियर 100% रिजल्ट है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी सर, ठीक है। इसी वजह से हमारा इस वजह से हम हैं, टिके हुए हैं, और ये है कि बच्चे भी हम पे विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात उनके पेरेंट्स विश्वास करते हैं, उनके गार्जियंस विश्वास करते हैं, और सब विश्वास करते हैं। सर अर्जुन सर ने यूएसए इंटरव्यू के बारे में बताया, तो उनकी तैयारी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे? हाँ जी, यूएसए का आपके दर्शकों के माध्यम से होगा एक क्रेज जिसे कहते हैं बहुत बड़ा हुआ है जी। लेकिन एक ये बात भी है कि बच्चा पता नहीं क्यों 1-2 मिनट के इंटरव्यू से घबराता है। है तो वो 2 मिनट का इंटरव्यू, पर देखा जाए 120 सेकेंड है उसमें। हम 1-1 सेकेंड की तैयारी कि बच्चे को कैसे जाना है, क्या, और अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है, मैं खुद 1-1 चीज की तैयारी हम उसे कराते हैं, और इसी वजह से बच्चा इंटरव्यू निकालता है चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का हो। मैं अब सब आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी दूसरे रास्तों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तैयारी करवाऊंगा और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे इंटरव्यू भी बड़ी आसानी से निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो साझा की है, क्योंकि आजकल युवाओं के अंदर एक काफी क्रेज चला हुआ है कि वो बाहर जाएं और अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए कुछ
बेहतर करें, तो इसके लिए हम आपका अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। भाइयों आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 14 में और यहां पर एशिया इंस्टीट्यूट में आपकी मुलाकात हमने करवाई है अर्जुन सर से और वैभव सर से, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी और बेहतर जानकारी हमारे लिए उन्होंने साझा की है। इसके अलावा आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं।